स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का एक पोएम एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है अमेंडा और इसके राइटर हैं रॉबिन केलेन। यह पोएम ली गई है फर्स्ट फ्लाइट बुक से और इस पोएम में बताया गया है किस तरह से एक छोटे बच्चे को या छोटी बच्ची को उसके पेरेंट्स कुछ करने से रोकते हैं या क्या नहीं करना है बताते हैं तो बच्चा या बच्ची क्या कुछ सोचता है या क्या कुछ सोचती है। इसके पहले कि आप पोएम में लीन हो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं या चैनल पे कैसे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। इस स्टैंजा में एक माँ अपनी बेटी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है और कुछ ना करने के लिए कह रही है जो वो बच्ची किया करती है। अमेंडा, अपने नाखूनों को मत खाओ, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। नाखून को खाना हर तरह से हानिकारक है। एक डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए तो डॉक्टर बताएगा कि डॉक्टर नाखून में गंदगी होती है, अगर हम उसको दांतों से काटते हैं तो गंदगी हमारे पेट में जाती है और पेट संबंधी समस्याएं खड़ी करती है। इसके अलावा किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें तो बताएगा कि नाखून को काटना कॉन्फिडेंस की कमी को, आत्मविश्वास की कमी को बताता है, अधीरता को दिखाता है। अगर किसी ज्योतिषी से पूछें तो वो बताएगा कि नाखून को दांतों से काटना अशुभ होता है। तो कुल मिला के नाखून को दांतों से काटना हानिकारक ही है। तो जो चीज़ें हानिकारक होती हैं, प्रायः जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वे रोकते हैं अपने बच्चे को ऐसा करने से। तो यहाँ पे भी एक माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अमेंडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, अमेंडा अपने कंधों को आगे की तरफ मत झुकाओ और कुबड़ की तरह मत बनाओ। कभी कभी लोग अपने कंधे को कुछ ऐसे झुका लेते हैं और पीठ पर कुबड़ जैसा दिखता है, तो यह जो बॉडी पोस्चर या भाव भंगिमा होती है वो दिखाती है कि आदमी कुछ सहमा हुआ है, कुछ दब्बू व्यक्तित्व का है। तो ऐसा करने से एक माँ अपनी बेटी को रोक रही है, कह रही है अमेंडा, अपने कंधों को मत झुकाओ और कुबड़ जैसा मत बनाओ। तो ये पहला स्टैंजा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्लाउचिंग मतलब होता है झुककर बैठना, प्रायः बच्चे झुक के बैठते हैं। तो यहाँ पे एक माँ कह रही है कि अमेंडा, झुककर मत बैठो, क्योंकि यह आलस्यपूर्ण तरीका है। आलस्यपूर्ण तरीके से ना बैठो बल्कि स्ट्रेट होके बैठो, सीधी होके बैठो, ताकि देखने में लगे कि तुम ऊर्जा से भरी हुई हो। अब अगला जो स्टैंजा है वह ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में होने का मतलब है कि यह बातें कहीं नहीं जा रही हैं बल्कि सोची जा रही हैं और यह अमेंडा सोच रही है। देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब इस स्टैंजा में कोई चीज, कोई कथन किसी से कहा नहीं गया है बल्कि सोचा जा रहा है और अमेंडा सोच रही है। देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी, एक शांत हरा समुद्र है। एमराल्ड का मतलब तो ऐसे पन्ना है, पन्ना एक जेम्स होता है हरे रंग का। तो यहाँ पे सिर्फ हरा रंग के लिए एमराल्ड यूज किया गया है कि एक शांत हरा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, मेरे अंदर एक शांत प्राणी निवास करता है, ए मरमेड। और वह शांत प्राणी है एक मरमेड, एक जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे चलना, ब्लिसफुल्ली मतलब आनंद के साथ, जो धीरे धीरे आनंद के साथ चल रही है। अमेंडा सोच रही है कि एक शांत विशाल हरा समुद्र है और मेरे अंदर एक जलपरी निवास करती है जो बिल्कुल ही शांत है, धीरे धीरे आनंद के साथ चलती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टीडी योर रूम अमेंडा,
आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। और फिर मदर बोल रही है, माँ बोल रही है कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? डिड यू टीडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम की साफ सफाई कर लिया, अपने रूम को ठीक से सहज लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैं समझती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने शूज को, अपने जूतों को साफ करने के लिए कहा था अमेंडा। अब अमेंडा क्या सोचती है, जवाब तो नहीं दे रही है, पर सोचती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट ए पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब अमेंडा सोचती है कि मैं एक अनाथ हूँ, ऑर्फन मीन्स अनाथ, रोमिंग द स्ट्रीट एक अनाथ जो गलियों में घूमती रहती है, ए पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, और मैं नंगे पैरों गलियों में घूम रही हूँ और मेरे नंगे पैरों से चुपचाप धूल पर एक आकृति या कलाकृति बन रही है, पैटर्न मतलब कलाकृति। तो मैं एक अनाथ हूँ और गलियों में नंगे पैरों घूम रही हूँ और चुपचाप मेरे पैरों से धूल पर कुछ कलाकृतियाँ बन रही हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बिल्कुल शांति है, और साइलेंस इज गोल्डन मतलब गोल्डन, हम किसी अच्छे चीज़ के लिए किसी चीज़ को अच्छे के रूप में बताना चाहते हैं तो उसको गोल्डन कहते हैं, तो शांति गोल्ड के समान है, सोने के समान है, मतलब बहुत अच्छी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही मीठी है, बहुत ही प्यारी है, ऐसा कुछ अमेंडा सोच रही है। डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ट अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ, क्या तुम अपने मुहासों को भूल गई, क्या तुमको याद नहीं है अपने मुहासे, जब तुम चॉकलेट खाई थी तो मुहासे हो गए थे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तो अमेंडा। अब अमेंडा क्या कुछ सोचती है, अभी अमेंडा जवाब देने लायक नहीं हुई है, छोटी बच्ची है तो अभी तो सिर्फ सोचती है। आई एम रैपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर ए ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। आई एम रैपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रैपंजल एक किरदार है, एक स्टोरी का किरदार है, जिसमें एक लड़की को एक जादूगर ने या एक डायन ने एक दूर टावर पर कैद कर लिया था, जिस पे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, और वहाँ पे उसको अकेले कैद रखा था। वहाँ से छुड़ाने के लिए एक नौजवान आता है उसको, जो ऊपर नहीं आ पाता है, तो रैपंजल अपने बालों को, अपने लंबे बालों को ऊपर से नीचे गिराती है, फिर वह नौजवान ऊपर आता है और रैपंजल को मुक्त करा के ले जाता है। तो यहाँ पे अमेंडा सोचती है कि वह रैपंजल है, और कहाँ पे है, एक टावर में जो दुनिया के से अलग है, जहाँ पे कोई नहीं आता जाता, बिल्कुल शांत है, और वहाँ पे अमेंडा अपने आप को पाती है, सोचती है कि वह रैपंजल है, बिल्कुल टावर पे अकेली रहती है और साथ शांति से रहती है, और वह कभी भी अपने सुनहरे बालों को नीचे नहीं गिराएगी ताकि कोई ऊपर आए और उसे फिर वापस ले आए। ये सब बातें दिमाग में अमेंडा के आ रही हैं। आप लोगों को भी घर पे रोका टोका जाता होगा तो प्राय आप सोचते होंगे कि आप कुछ ऐसा जीवन जीते जहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, बस जो अच्छा लगे किए जाओ। स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन would think that I nag at you, Amanda. Amanda, यह रूठना बंद करो। You are always so moody, Amanda. Amanda, तुम हमेशा ही मूडी रहती हो, जल्दी जल्दी तुम्हारा मूड बदलता रहता है, जल्दी से रूठ जाती हो, फिर हंसने लगती हो, खुश हो जाती हो, दुखी हो जाती हो। Anyone would think that I nag at you. कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें बार बार रोकती टोकती हूँ, झिड़कती हूँ। Amanda.